उजाला नगर के एक छोटे से गांव में चित्रा अपने पति हरिओम के साथ रहती थी। उनकी शादी हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी उन्हें माँ बाप बनने का सुख नहीं मिला था। सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रहने दो चित्रा, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। हरिओम और चित्रा आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने घर के बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये इतनी रात को किसका बच्चा रो रहा है? ये होगा किसी पड़ोसी का, हमें तो भगवान ने औलाद के सुख से अभी भी वंचित ही रख रखा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो, अगर हमारे भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी भी गोद भर जाएगी। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि बच्चे की आवाज अचानक तेज हो गई। सुनिए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी पड़ोसी का बच्चा है, चलिए बाहर चलकर देखते हैं। तुम भी ना, चलो चलते हैं। चित्रा और हरिओम रात को अपने घर से बाहर निकला। कुछ दूर चलकर उन्हें अपने घर के पास वाले कूड़े के ढेर के पास एक बच्चा दिखाई देता है। हे भगवान, ये रोने की आवाज इस बच्चे की थी। चित्रा उस बच्चे को कूड़े पर से उठा लेती है। न जाने ये किसका बच्चा है, हमें इसके माँ बाप को ढूंढना चाहिए। अब से ये हमारा बच्चा है, माँ दुर्गा ने इसे मेरी गोद में डाला है, अब से ये मेरा सोहन है। चित्रा उसे गोद में ही लिए हुए थी। जैसे ही सोहन पर चांद की रोशनी पड़ी, उसका माथा चमकने लगा। ये कैसा चमत्कार था? क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, माँ ने आखिरकार हमारी भी गोद भरवा दी। उस दिन के बाद से चित्रा और हरिओम सोहन का पालन पोषण बिल्कुल अपने बेटे की तरह करने लगे। एक बार चित्रकूट गांव से एक बारात कांवरा जा रही थी। सारे पैसेंजर्स नाचते गाते बस से सफर कर रहे थे। तो आज मेरे यार की शादी, मन्ने कोई रोके ना, उड़ांगे नोट गुलाबी, मन्ने कोई टोके ना। अरे तो उड़ा नोट गुलाबी, कौन टोक रहा है? हाँ हाँ, उड़ाओ नोट गुलाबी, कौन मना कर रहा है? आखिर आज मेरा बेटा दूल्हा बना है। हाय, ये कब इतना बड़ा हो गया, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। माँ बस, अब तू मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर। अरे नहीं तो आज विदाई में दुल्हन की जगह दूल्हा रो पड़ेगा। सभी हंसी खुशी जा रहे थे कि तभी अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया और बस एक बड़े से बरगद के पेड़ में जाकर ठुक गई और सभी वहीं मर गए। अब बस के यात्री सभी भूत और चुड़ैल बन गए। अब इस हादसे को हुए 17 साल बीत गए थे। तब से जो कोई भी बारात उस रास्ते से गुजरती, भूत और चुड़ैल उस पर कब्जा कर लेते और फिर उसे गायब कर देते। अरे मैं अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ। भाई, शादी करने की सोचना तो एक बहुत ही अच्छा ख्याल है, लेकिन भूल कर भी चित्रकूट गांव के रास्ते से बारात मत बुलवाना। अरे जानता हूँ, नहीं तो मेरी बेटी सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो जाएगी। पूरे गांव में भूतों और चुड़ैलों की दहशत फैली हुई थी। अब आसपास के गांव वाले भी बारात चढ़ाने में डरते थे। इन भूतों चुड़ैलों को खत्म करने वाला कोई तो इस दुनिया में होगा। हाँ होगा तो, लेकिन किसको पता कि कहाँ हो। उन भूतों और चुड़ैलों को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि सोहन था। सोहन कोई आम बालक नहीं था, उसे बचपन में ही माँ दुर्गा ने अपनी असीम शक्ति से नवाजा था। अब सोहन जवान हो चुका था। माँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी थी? माँ, वो मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। चित्रा पहले सोहन को घूर कर देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। तो ये बात तो मुझे इतना डर के क्यों बता रहा है? कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया? माँ, वो पास के गांव में ही रहती है और मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि मैं उसके घर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुँचूंगा। हे भगवान, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। तू भले ही उस लड़की से शादी कर लेना, मगर बारात नहीं। माँ, बारात ले जाने में क्या हर्ज है, मैं तय कर चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चित्रा को अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर हामी भरनी पड़ती है। ऐसे ही दिन बीत गए। आज सोहन की शादी का दिन था। बेटा, अभी भी सोच ले, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा बेटा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। गाजे बाजे के साथ बारात निकल जाती है और चलते चलते सभी हादसे वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और पूरी बस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने को बोल भी कौन रहा है?
जिंदा नहीं जाने देंगे। बिल्कुल माँ, अरे देखो तो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। अरे वाह, दो दो दूल्हे साथ में, एक जिंदा और एक मरा हुआ, एक फोटो तो बनता है। हाँ बहन खींच, और सुन स्नैपचैट में खींचना, मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। हाँ क्यों नहीं, मैं भी हैशटैग बनाकर डालूंगी कि इंसानी और भूतिया दूल्हा साथ साथ। इन सब में हमें मत भूल जाना। भूतों और चुड़ैलों से सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं, इसी वजह से मैं तुझसे मना कर रही थी, लेकिन तू अपने आगे किसी की सुनता ही कहाँ है। माँ तो डर मत, कोई भी चीज किसी को भी बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाती। क्या खुसर खुसर कर रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बस पर कब्जा क्यों कर रखा है? क्या पिछले जन्म में कोई डाकू वाकू थे तुम लोग? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे ऐसे बात करे, कौन है तू? तुम्हारा विनाश। सोहन के ऐसा बोलते ही भूतों और चुड़ैल उस पर झपटते हैं, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। सोहन एक चुटकी बजाता और सभी बस के पैसेंजर सो जाते हैं। ये तूने कैसे किया? मैं चाहूँ तो तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। कौन है तू? सोहन अपनी आंखें बंद करता है कि तभी उसके माथे में चांद की आकृति बहुत तेज चमकने लगती है। भूत और चुड़ैल ये सब देख बहुत डर जाते हैं। तू मुझे कोई आम इंसान नहीं लगता है। भगवान ने मुझे बहुत सी अलग शक्तियों से नवाजा है, शायद उसका कारण तुम लोग ही हो। अब तो मुझे जल्दी से अपनी मुक्ति का साधन बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं बताता हूँ। विजय अपनी पूरी घटना सोहन को सुना देता है। और अगर कोई हमारे बारात की बस में पड़े शरीर को अग्नि दे दे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। इतनी सी बात, मुझे बताओ बस कहाँ है? वो तो हम भी नहीं जानते। सोहन अपनी आंखें बंद करता है और फिर भागा चला जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ दूर भागकर सोहन को बस दिखाई देती है और वो बिना देर किए अपनी जेब से लाइटर निकाल कर उस बस में आग लगा देता है। सभी भूत और चुड़ैल आंखों ही आंखों में गायब हो जाते हैं। तो मुझे भगवान ने इन शक्तियों से इसीलिए नवाजा था। सोहन वापस आ जाता है और बस में आकर फिर से चुटकी बजाता है। अरे आप सब इतने डर गए थे कि सो ही गए? चलिए मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन वो भूत और चुड़ैल कहाँ गए? अरे वो अब कभी नहीं आएंगे पापा। सोहन अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा मुस्कुराता है और फिर बस अपनी राह पर निकल जाती है। भूत और चुड़ैल भी मुक्त हो चुके थे और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया।